Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Or Ramiz, Ramiz Raja. और अगर क्वेटा ग्लेडिएटर की जानिब से नया बॉल किया अब्दुल रजाक ने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी किसी से कम नहीं है। लेजेंडरी वकार यूनस नया बॉल करेंगे तो रजाक आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। ये वकार यूनस बॉलिंग का आगाज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई विश कि मैं बैटिंग कर रहा होता और ये कि बड़ा अच्छा होता कि जिस तरह इन्होंने हमें मारा अभी इनको मारते भाई। ये कि कोटा ग्लैडिएटर जस्ट एज ए फ्रेंडली मैच एग्जीबिशन मैच खेलने के लिए आई हुई है और आपको पता होगा कि हमारे बॉलर मेन पूरे नहीं थे भाई। ये कि फिर भी अच्छा मैच मिलेगा, कोशिश करेंगे कि जहां तक भी जा सके हम इनको नज़दीक लेके जाएं। ये बिल्कुल T20 क्रिकेट है, यू नेवर नो, पिच भी अच्छा है बैटिंग के लिए तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने में मिलेगा यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। लेकिन अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं तो काफ़ी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हाँ ये देखें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिसबा बिल्कुल सीरियस है और अपने पूरी स्ट्रेंथ जो उनकी बॉलिंग है वो पूरी यूज़ करेंगे। एक बार 300 स्कोर का अगर टारगेट हो और बॉलर काफ़ी रिलैक्स होते हैं और कोई प्रेशर नहीं है वकार यूनस पर भी और बाकी उनके समी और आपके बॉलर तो 300 रन के बगैर भी काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहे थे। भाई देखे हमारे जो ऑनर हैं नदीम मोहर साहब, उन्होंने बॉलिंग की और उनके बॉलिंग की मेरा भी ओवर था जिसमें 6 हुए थे गाना करे पूरी तो बस ये के उन्होंने काफी और हम थोड़ी देर बैठ। अब आगाज होने जा रहा है जी कोटा ग्लेडिएटर्स की इनिंग्स का। उमर अमीन फेस करेंगे वकार यूनस को और काफी अच्छे बाद आप वकार यूनस को इन एक्शन देखेंगे। और पहला बॉल ही स्पॉट ऑन और हल्का सा बॉल स्विंग भी हुआ रजाक। मैं नहीं समझता कि स्पॉट ऑन था, ये सारा बैट्समैन उन्होंने जिस तरह खेला है इनको चाहिए था कि शुरू से अटैक करना चाहिए क्योंकि जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे चौके छक्के देखने के लिए आए हैं। इस एक और अच्छा बॉल सिंगल ही मिलेगा, बड़ी क्लेवर फील्ड प्लेसमेंट की हुई है इस बॉलर ने। नहीं बड़ा जबरदस्त है ये, देखें आप मिसबा की थिंकिंग देखें बिल्कुल सीरियस हैं और बिल्कुल उन्होंने मिडॉन पीछे शुरू से रखी हुई थी। हालांकि 300 स्कोर जब लगा होता है तो मैं नहीं समझता कि ये चेज होगा पर फिर भी वो सीरियस ले रहे हैं मैच को और ये बड़ा अच्छा साइन है कि जो लोग आए हुए हैं मैं समझता हूँ कि उनके लिए इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। हाँ ये देखें बड़ा अच्छा शॉट और ये बाउंड्री के बाहर, ये देखें मैं ये इसी चीज़ पे बात कर रहा था कि आवाम को चाहिए कि ये इस तरह की शॉटें देखें और बैट्समैन को मारनी चाहिए। हाँ जी यार बड़ा अच्छा डिफेंसिव मूड में खेले रमीज राजा और ये है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अग्रेशन से खेलें क्योंकि ये T20 है और ऑन दी अप खेलना पड़ेगा ऐसी पिचों पे जहाँ पे बॉल डेड हो और बॉल बैट पे आ रहा हो तो यहाँ पे जो बैट्समैन ऑन दी अप खेलते हैं वो कामयाब होते हैं। तो जैसे इस्लामाबाद ने खेला वो देखा हमने, उन्होंने काफ़ी छक्के मारे हैं। अगर एक पॉइंट आप देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं समझता हूँ कि पूरी टीम है
और अभी इनके फॉरनर्स प्लेयर हैं वो अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी उनकी टीम पूरी लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोटा ग्लैडिएटर को भी चाहिए था कि अपनी पूरी टीम लेके आते यहाँ पे और बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलता। डॉट बॉल के साथ ओवर का अख्ताम किया, पहला साल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा होगा इस्लामाबाद की टीम को, स्पेशली उनके बॉलर्स को। इस दफ़ा सिर्फ सिंगल ही